ओके जी, चैप्टर नंबर 1 to 7 कर चुके हैं और आज 8 to 14। चैप्टर नंबर 1 में क्या था? अलर्ट। 2 में सिंपल वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं, हमने अलर्ट देख लिया, वेरिएबल्स वगैरह को देख लिया, कॉन्कैटिनेशन करना देख लिया, ऐसे ही है, दो वेरिएबल्स को जोड़ना देख लिया था, उसके बाद इंक्रीमेंट देख लिया था और जी उसके अलावा वेरिएबल लीगल नेम्स वगैरह, वेरिएबल किस तरह बनाया, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। तो आज चैप्टर नंबर 8 to 14। डेटा टाइप्स याद है? जिस भाई को नहीं पता वो बताए। जीव लाल भाई, डेटा टाइप्स। अच्छा, 2 हफ्ते में क्लास ही नहीं ली, प्रोग्रामर बनने लगे हैं जी। आप शहजादे अली भाई, आपका क्या नाम है? फिजान जी। फिजान भाई, जावास्क्रिप्ट के डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स हमने पढ़ी थी ना, मुझे बता दें। मैंने कहा मुझे बता दें कितनी है, मेरे से पूछ। ओके, साइलेंस प्लीज जी। स्ट्रिंग नंबर, बूलियन, नल और अनडिफाइंड जी, एरे, ऑब्जेक्ट, जी फंक्शन कितने हो गए टोटल? 8। तो टोटल कितने हैं? 8 है। स्ट्रिंग हम किस तरह लिखते हैं? डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट। नंबर, नंबर कोई भी। बूलियन, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, नहीं ट्रू और फॉल्स। नल, जीरो, कोई वैल्यू नहीं। नल, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कब बनता है जी? वैल्यू ना दियो किसको? किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया हो लेकिन उसकी वैल्यू ना रखी हो। लाइक वेरिएबल फर्स्ट नेम इक्वल टू, ये हम रख देते हैं कामिल। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू क्या रखी? कामिल। अब फर्स्ट नेम की वैल्यू जो है वो है कामिल, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू को भी स्टोर करवा दिया। अगर आप एक वेरिएबल बना लेते हैं इस तरह, वेरिएबल बन चुका है लेकिन वैल्यू को कोई असाइन नहीं किया अभी तक हमने, तो अब फर्स्ट नेम की जो वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड होगी। ठीक है, एरे आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऑब्जेक्ट आपका कर्ली ब्रेसेस और फंक्शन आपका, फंक्शन कीवर्ड पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, इस तरह फंक्शन बन जाता है। तो ये आपकी टोटल 8 डाटा टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट की, और यही आपकी पूरी जावास्क्रिप्ट है, यही आती है, तो फिर आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सिंबल्स किस में आएंगे सर? सिंबल्स से मुराद ये जो सिंबल्स होते हैं वो किस में डाटा फ्लो होगा? डैशेस वगैरह या वो तो आपका स्ट्रिंग आएगा ना, स्ट्रिंग में आ जाएगा वो स्ट्रिंग। सिंबल बेसिकली कोई डाटा टाइप तो नहीं है, करेक्टर है ना, अल्फाबेट्स वगैरह, वो आपका फिर स्ट्रिंग में है, क्योंकि नंबर पर तो आप लिख नहीं सकते हैं। बूलियन ट्रू और फॉल्स है बस। नल आपका नल हो गया, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। एरे आपका स्क्वायर ब्रैकेट से, ऑब्जेक्ट आपका कर्ली ब्रेसेस से, फंक्शन मल्टीपल डाटा सेम वैल्यूज का कह लें, जिस तरह स्टूडेंट्स, अब आप लोग जितने स्टूडेंट्स हैं आप सबका डाटा एरे में आ जाएगा और आपका सिंगल डाटा जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनेगा।
ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में मल्टीपल डाटा हो जाता है. मल्टीपल डाटा से मुराद आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सिटी, या जिस तरह आप लोगों ने एक फॉर्म जो सबमिट किया था, वो एक जो डाटा था यूज़र का, वो एक ऑब्जेक्ट बन रहा था. ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया जाता है एरे में, ठीक है. वेरिएबल फर्स्ट नेम, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया. वेरिएबल किस नेम से रखा? फर्स्ट नेम से. इक्वल से हम इसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर. इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, फर्स्ट नेम आपका. अब नेम जो है ये कौन सी डाटा टाइप बनेगी? आपने अपना नेम लिखना है. किस डाटा टाइप में लिखेंगे? स्ट्रिंग में. तो स्ट्रिंग आप डबल कोट लेंगे या फिर सिंगल कोट लेंगे? यहाँ पर आप लिख देंगे बिलाल, वेरिएबल लास्ट नेम इक्वल टू सफदर, ठीक है जी. इसको कॉन्कैटिनेट करें तो किस तरह करेंगे? आपका फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम क्या बनता है? फुल नेम. वेरिएबल फुल नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम. इसकी आउटपुट क्या बनेगी? बिलाल सफदर, ठीक है. अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दरमियान में डॉट्स डाल गए प्लस कर. किधर? ये प्लस के साइन के बाद यहाँ पे डॉट्स डालेंगे. हम क्या करेंगे? डॉट्स डालेंगे दोबारा प्लस. डबल कोट्स सर, डबल कोट्स है, डबल कोट्स स्पेस. आपने डॉट का, हमने डॉट ऐड कर दिया. अब इस तरह ही है जी, मुझे मिल गई ऐसे ही है जी. अली भाई फैज भाई बल्कि ये जब हमने ये हमने ऐड किया जी. बिलाल भाई जी, रिजवान भाई स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है. इससे पहले तो तब भी आपकी स्पेस आ जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दी है. लेकिन ये तो हमने यूज़र से वैल्यू लेंगे, वैल्यू तो यूज़र से लेनी है, तो यूज़र ने स्पेस तो नहीं ऐड करनी. ऐसे ही है. फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम. तो ये जी चेयर्स की देखिएगा, डबल कोट के अंदर, क्योंकि ये स्पेस है ना डबल कोट. तो ये तो आपका सिंपल ब्लैंक हो गया ना, कुछ भी नहीं है. तो अगर आप इसको इस तरह यूज़ करें और इस तरह यूज़ करें, सेम चीज़ ही है. हमें तो स्पेस चाहिए, तो स्पेस फिर आप इस तरह स्पेस ऐड करेंगे, कॉन्कैटिनेट होगा ना. अगर आप ये नहीं करते हैं फिर आपका एरर आ जाएगा. अगर डबल कोट्स में दो बार स्पेस है तो दो बार हो जाएगी ज़्यादा जी. स्पेस के लिए सिर्फ यूज होगा, हम सिर्फ स्पेस ऐड करने के लिए कर रहे हैं. तो अब इसकी जो वैल्यू बनेगी वो आपकी बिलाल स्पेस सत्तर है इस तरह. तो ये जो मेथड है ये क्या कहलाएगा आपका? कॉन्कैटिनेशन, ठीक है जी. अब फर्स्ट नेम हमने लिया बिलाल, फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है और लास्ट नेम की? सफदर. आप लास्ट नेम में कोई वैल्यू नहीं ऐड करें, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेकिन कोई वैल्यू नहीं रखी उसकी. तो अब इस वेरिएबल लास्ट नेम की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, ठीक है. अब ये आपका अनडिफाइंड बनेगा जी. क्लियर है जी बिलाल भाई? ओके. वेरिएबल फर्स्ट नेम मोहम्मद उमर, लास्ट नेम अहमद. वेरिएबल फुल नेम फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम. अलर्ट फुल नेम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? जी तो स्पेस ऐड होगी कि नहीं होगी? किस में? फुल नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. जी मोहम्मद के बाद वैसी स्पेस है, उमर स्पेस अहमद, स्पेस ऐड हो जाएगी. ये आपकी डेटा टाइप, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, अनडिफाइंड, नल और फंक्शन. टोटल डेटा टाइप्स कितनी होगी? आठ. आठ.
कंसोल डॉट लॉग 2+2 क्या वैल्यू बनेगी? 4। 2+2 कितना होता है? 4। और 2+2 अब क्या होगी वैल्यू? यही तो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जी किसान भाई, क्या वैल्यू आएगी? 22 जी। ये आपका, इसकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग नंबर। और इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी जी? इसको कुछ भी नहीं होगा, इकट्ठे लिखे आ, इकट्ठे लिखे आ जाएंगे जी। अंश भाई हाँ जी, उस्मान भाई जी, मुजम्मिल भाई जी, रिजवान भाई 22। आप से जाते पीछे जी, फरूख भाई आप बताएं, 2 और 2 आएगी 22 जी। हसन भाई आपके नाम है हसन कि नहीं? सेम क्या वो क्या कह रहे हैं जी? शान भाई डबल कोट्स में आ जाएगा, मतलब 22 आएगा। नहीं सर, वो सेपरेट है ना। क्या इस कंसोल डॉट लॉग में क्या वैल्यू आएगी ये बताइए आप। हम यहाँ पे कोई वेरिएबल भी तो नहीं ले रहे, हम तो डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, तो ये लिखा हुआ ठीक है। इस तरह नहीं आएगा, फिर 2 नहीं आएगा। क्या वैल्यू आएगी? आना चाहिए। नहीं ये लिखा हमने ठीक है, लिखा हमने ठीक है। क्या लिख आएगा, आंसर क्या बनेगा इसका? जी बिलाल भाई 22 आएगा, दोनों लगता है प्लस हो नहीं। अच्छा जी 22 आएगा लेकिन इसकी टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी। अच्छा जी मौसम भाई 22 आप शिजादे 22 आप जी 22 22 आपका क्या नाम है शिजादे? मुदस्सिर जी। मुदस्सिर भाई आपके साथ जमात भाई पक्का फैसला हो रहा है। इसकी वैल्यू जो बनेगी 22 और डेटा टाइप आपकी स्ट्रिंग 2+5 अब क्या वैल्यू बनेगी? 72 ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 72 ठीक है जी। कॉन्केटिनेट हो क्योंकि स्ट्रिंग ले लिया ना हमने। अगर ये वैल्यू आपकी फिक्स वैल्यू रहेगी जो एंड पे ऐड कर देंगे मतलब इस तरह लेते हैं तो आप क्या वैल्यू बनती? अब तो 9 हो गई। 9 तो 9 है, वो फिक्स हो जाएगा जी। ये अब आपकी 9 और डाटा टाइप इसकी नंबर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस प्लस माइनस मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर है। मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस मॉडुलस ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर जो इसमें यूज होते हैं। एक और भी कौन सा डिवाइड हो गया है वो आपके प्लस प्लस माइनस माइनस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये चीज़ होगी आपकी। और फिर आपका ये इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट ठीक है। और बेसिकली उर्दू जबान में जो हम कहते हैं पावर के 2 की पावर 4 ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इस तरह नहीं लिखा जाता, जावास्क्रिप्ट में इस तरह लिखा जाएगा ठीक है। क्योंकि जब हम मैथ में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं जो हम लिखते आए हैं अब तक, लेकिन प्रोग्रामिंग में आप इस तरह पर लिखते हैं जी। हाँ जी अब दोबारा से एग्जाम हमने एक एलिमेंट को गेट करना है, कैसे करेंगे? नौ, 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 नौ,
इन्होंने कहा था ई बड़े नहीं दूसरा ई नहीं सर अच्छा दूसरा ई अच्छा बाइटी का ई बड़ा है अच्छा सेमी कॉलन आपका नहीं सर डॉट नहीं आएगा आपने कहा कॉलन आएगा कॉलन आएगा इनका इनका बता देंगे इनका बता देंगे इनका ना एग्जाम है स्मॉल ब्रैकेट साथ ही इसके अंदर एलिमेंट क्या है इसके अंदर किस एलिमेंट को गेट करेंगे जो भी हमने नाम दिया होगा नाम हमने क्या दिया होता है एलिमेंट का नेम देना है नहीं सर आईडी से उसकी से या क्लास से आईडी से या क्लास से यस यहां पे तो क्लास उसकी अगर होगी लेट्स सपोज नेम क्लास है तो वर्क करेगा आईडी से करेंगे ना तो फिर आपने कहा आईडी या क्लास आईडी क्या लेट्स सपोज आईडी है इसको डबल कोट्स में लिखेंगे अच्छा डबल कोट आईडी आ गई उसकी एलिमेंट की आईडी आईडी ही अब आगे अब एलिमेंट गेट हो गया अब आगे हमने उसमें कुछ लिखना भी है अब सर कॉलन लगाएंगे इनर डॉट डॉट इनर एचटीएमएल इनर एचटीएमएल इसके बाद पैरेंथेसिस लग गया एचटीएमएल का एच बड़ा आएगा एचटीएमएल का एच बड़ा आएगा सारे बड़े अब इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे जो भी सर टेक्स्ट ऐड में टेक्स्ट आ गया यहाँ पे सिंगल आएगी सर यहाँ पे सिंगल कोट आएगा एक लाइन में दो नहीं यूज करेंगे एक लाइन में क्या दो स्ट्रिंग नहीं डबल यूज करेंगे अच्छा दो नहीं सिंगल यूज करेंगे सिंगल और जी उम्मीद भाई ठीक है सर डबल भी यूज कर सकते हैं इक्वल का साइन और एचटीएमएल आपका बड़ा आएगा जी हसन भाई ठीक है जी फैज भाई अच्छा फैज उधर ये अली है जी अली भाई किस शान के अच्छा अभी भी पूछने क्या करना है आईडी वाली लाइन किस चीज को ये खत्म कर दें ये ठीक है इतनी मुश्किल से उन्होंने ठीक किया था जी बिलाल भाई जी मोहसिन भाई ठीक है जी मोहसिन भाई जी मोहसिन भाई हाँ मोहतरम भाई जी पैंतीस आनी है आप दोनों भाइयों का फैसला मत पक्का नहीं है जी मुदस्सर भाई आप ठीक है हाँ जी शहजादे हाँ जी अच्छा आगे फिर क्या होगा यहाँ तक ठीक है अब आगे सर आप स्कैन स्कैन ले डबल कोर्स में जी ठीक है लग रहा है जी फिजान भाई लेक्चर नहीं लिया आपने मेरा ख्याल नहीं लिया मुश्किल हो जानी इस तरह
ठीक है अगर आप स्पैन ना लें फिर ले ये तैयार भाई ठीक है जी फरूख भाई ऐसा अच्छा नहीं लग रहा हाँ जी जी फैज भाई गलत है ठीक कैसे होगा जी अंश भाई अच्छा फर्स्ट में जी उसके बगैर भी तो हो सकता है जी उस्मान भाई ठीक है जी मुजम्मिल भाई जी साद भाई अगर आप इस तरह लिखें तब भी ठीक है इस तरह लिखें तब भी ठीक है मीन्स का ये वाला कोड ठीक है आपका जी खत्म हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा सिर्फ ये लिखा आ जाएगा अगर आप क्या करना चाहते हैं जो आईडी के अंदर टेस्ट होगा अगर उसको हम डाल करना चाहते हैं डॉट इनर एचटीएमएल नहीं आएगा फिर डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड इस तरह आपका इतने कोड से वो एलिमेंट गेट हो गया जब एलिमेंट गेट हो गया उसके बाद अब आप फिर कुछ भी कर सकते हैं कलर चेंज करें बैकग्राउंड कलर चेंज करें इमेज चेंज करें उसका टेक्स्ट चेंज कर दें एचटीएमएल चेंज कर दें सारी चीज़ें आप कर सकते हैं सर इमेज सिर्फ टेक्स्ट इनर एचटीएमएल से चेंज होगा बाकी सब कुछ स्टाइल से जी इनर एचटीएमएल या फिर इनर टेक्स्ट टेक्स्ट क्या होता है सिर्फ टेक्स्ट अगर आपने एचटीएमएल भी लिखा वो एज अ टेक्स्ट ही आपको शो हो जाएगा ठीक है और अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पर इनर एचटीएमएल लिखा तो अब क्या होगा ये आपको स्पैन एलिमेंट नहीं रेंडर स्पैन एलिमेंट रेंडर होगा उसके अंदर आपको सिर्फ एबीसी नज़र आएगा लेकिन अगर आप इनर टेक्स्ट कर देते हैं तो अब ये एज इट इज़ आपको स्पैन भी नज़र आएगा लिखा हुआ डबल कोट्स नहीं आएंगे नहीं डबल कोट्स नहीं आएंगे जी क्लियर है ओके जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी कॉन्कैटिनेट सम स्ट्रिंग्स डॉट ऑन क्लिक तो इसका मतलब ये कोई एक बटन है ठीक है इस बटन पर जब क्लिक हो तो क्या हो फंक्शन एग्जीक्यूट हो उस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है मैसेज नेम और बैंगर साइन तो मैसेज नेम बैंगर लेट फुल नेम अच्छा कंसोल डॉट लॉग मैसेज प्लस नेम प्लस बैंगर तो इसकी आउटपुट क्या बनेगी स्पेस नहीं आएगी जी हाँ जी पहले क्यों कह रहे थे स्पेस नहीं आएगी आगे पीछे कर दिया किधर ये मैसेज आपका ये नेम आपका और ये आपका बैंगर साइन तो ये तीनों चीज़ें तो हैं आपके पास इसको ही कंसोल करवा रहे हैं तो इसकी आउटपुट जो बनेगी वो फिर ये बनेगी ठीक है गुड डे को कॉपी कर लें उसके बाद उमेर और ये आपका बैंगर साइन सही है लास्ट क्लास में पढ़ा था वेरिएबल असाइन करने की है आप वी ए आर कीवर्ड से की मदद से कर सकते हैं वी ए आर लेट कॉन्स्ट ये तीन तरीके हैं लेट और कॉन्स्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट में आप लोग का है
कि ये एडवांस जावास्क्रिप्ट 2015 में ये मतलब रिलीज़ हुआ था, फीचर आया था। करेंगे हम बाद में, अभी दरअसल आप लोगों को पता नहीं वार लेट और कॉन्स में फ़र्क क्या है, ठीक है, जब थोड़ा बहुत फ़र्क पता लगेगा। लेकिन मैंने कहा था कि लेट ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों ने यूज़ भी यही करना है, तो डिफरेंस क्या हम बाद में पढ़ेंगे। बैंकर साइन इसको कहा जाता है, एक्सप्लेनेशन मार्क या बैंकर साइन। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू फुल नेम, तो प्रिंट क्या होगा, फुल नेम क्या है, कल्हा स्पेस है, ये प्रिंट होगा। यस सच्ची, अगर कमेंट ना ख़त्म करें फिर क्या होगा, आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है, आपको एरर मिलेगा कि फुल नेम जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना ही वेरिएबल असाइन किया गया है, तो इस चीज़ का आपको एरर देगा। कॉन्कैटिनेट सम स्ट्रिंग्स, तो ये देखें फुल नेम इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पर अगर आप कर दें मैसेज प्लस नेम प्लस बैंगर, तो आपको गुड डे उमर, और यहाँ पर आपको गुड डे उमर, क्या चीज़ ये हमने लिखा हुआ है ना, आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल। ये आपको div id सिर्फ एक आउटपुट की div बना दो, उसको id दे दो बस, और कुछ भी। हमने उस एलिमेंट को गेट किया और उसके अंदर एच टी एम एल को इंसर्ट कर दिया, मैसेज प्लस नेम। इसके बाद अब आप इसमें स्पेस ऐड कर दें, तो अब क्या होगा, गुड डे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आपको ये स्पेस ऐड होगी जी, क्लियर है। ओके जी, अब तक हम क्या कर रहे थे कि नेम हम खुद से लिख रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है नेम हर यूज़र का तो अलग होगा, कोई भी यूज़र आता है उसने अपना नेम लिखना है, तो अब हम यूज़र से किस तरह वैल्यू ले सकते हैं। अभी तक हम हार्ड कोड कर रहे थे, अब हमने करना है डायनेमिक डाटा, कि जो भी यूज़र, लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है, मैंने इसको लाइव कर दिया, आप लोगों के पास वो वेबसाइट आ गई, अब हर किसी ने अपना अपना नेम लिखना है, तो वो कैसे होगा, प्रॉम्प्ट की मदद से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी आस्क नेम फ्रॉम यूज़र डॉट ऑन क्लिक, जैसे इस पर क्लिक हो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, लेट मैसेज इक्वल टू गुड डे, लेट फर्स्ट नेम, पहले हम क्या कह रहे थे, फर्स्ट नेम इस तरह ले रहे थे फर्स्ट नेम, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रॉम्प्ट जी, इससे क्या होगा, यूज़र से वैल्यू अब लेगा, जैसे ही इस बटन पर क्लिक होगा कोड टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले गुड डे की वैल्यू जो है वो स्टोर किस में हो जाएगी, मैसेज में, उसके बाद वो प्रॉम्प्ट पे आएगा, तो वो यूज़र से वैल्यू लेगा, प्रॉम्प्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर अब आप स्ट्रिंग में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यूज़र से आप क्या लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे लिखें प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। सर ये हम कैमल केस में नहीं लिखेंगे, प्लेस ऑर्डर लिखेंगे, ये वही चीज़ है, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है जी जी, हाँ जी, स्ट्रिंग होगी इसमें, हमेशा स्ट्रिंग ही आएगी आपको। कंसोल डॉट लॉग होता डायरेक्ट है, लेकिन इस फर्स्ट नेम की वैल्यू हमने कहीं स्टोर करवानी है, तो यूज़र जो भी वैल्यू पास करेगा वो स्टोर हो जाएगी फर्स्ट नेम में, और फर्स्ट नेम को हम आगे जाके यूज़ करेंगे कहीं, ठीक है, तो यूज़र से वैल्यू ली जाएगी, यूज़र जो भी वैल्यू ऐड करेगा वो स्टोर हो जाएगी फर्स्ट नेम में। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं,
आस्क नेम फ्रॉम यूज़र, जैसे इस पर क्लिक करें तो ये देखें, ये आपको पूछ रहा है प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, आ रहा है लिखा हुआ नज़र। अलर्ट की तरह ही है, अलर्ट में सिर्फ नोटिफिकेशन आता है, इसमें अब वो यूज़र से पूछ रहा है वैल्यू, ये देखें प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। अब यूज़र ने जो वैल्यू लिखनी है वो यहाँ पर लिखेगा, ठीक है। आपके पास इनपुट फील्ड आ गई, यहाँ पे आप लिख दें जमान, ओके करें तो ये देखें गुड डे जमान, और यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई आ गई। यूज़र से दोबारा पूछें आस्क नेम फ्रॉम यूज़र, यहाँ पे आप लिख दें अहमद, ओके करें तो गुड डे अहमद आ गया। दोबारा करें यहाँ पर साद, एंटर करें तो गुड डे साद, दो वर्ड्स का स्पेस आएगी। हाँ जी, आप यहाँ पर आस्क नेम फ्रॉम यूज़र, यहाँ पर अली हसन कर दें, ओके करें तो गुड डे अली हसन आ गया। यूज़र ने खुद स्पेस ऐड की ना, तो वह स्पेस आएगी। यहाँ पर आप लिखते हैं बिलाल तनवीर, एंटर करें तो गुड डे बिलाल तनवीर। जी क्लियर है। अब हम यूज़र से लेते हैं, अभी हमने लिया सिर्फ फर्स्ट नेम, तो हम लेते हैं यूज़र से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लेट मैसेज गुड डे, लेट फर्स्ट नेम प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, लेट लास्ट नेम प्रॉम्प्ट की मदद से प्लीज़ एंटर योर लास्ट नेम। बैंकर का साइन। अब लेट फुल नेम इक्वल टू, यूज़र जो भी वैल्यू पास करेगा वो स्टोर किस में होगी, फर्स्ट नेम में। यूज़र जो भी वैल्यू पास करेगा वो स्टोर हो जाएगी लास्ट नेम में। तो फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम कंसोल डॉट लॉग फुल नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल मैसेज प्लस फुल नेम प्लस बैंकर, सेव करें। आस्क नेम फ्रॉम यूज़र प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिखें हुसैन, ठीक है जी, फर्स्ट नेम हुसैन, एंटर करें और प्लीज़ एंटर योर लास्ट नेम, यहाँ पे लिखते हैं ओके करें तो ये देखें गुड डे हुसैन भट्ट आ गया। यहाँ पर प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम मुहीद और लास्ट नेम मुस्तफ़ा, ओके करें तो गुड डे मुहीद मुस्तफ़ा हो गया। जी क्लियर है। जी कंसोल में नहीं हो रहा, हम कंसोल करवा रहे हैं साथ में ना। जब हमारी वेबसाइट पे आके यूजर करेगा फिर कहाँ स्टोर होगा वहाँ पे, तो फिर यूज करेंगे। यूज़र जब आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, उसने फर्स्ट नेम किया लास्ट नेम किया, अक्सर आपने देखा होगा यहाँ कहीं हेडर में यूज़र का नेम आ रहा होता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर कुछ भी नहीं, अभी हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। ये आपका स्पैन और डिस्प्ले फ्लैक्स CSS है ना, ID यूजर नेम, ठीक है जी, सेव करें। गुड डे यहाँ पे लिख दें फैस, सेव करें तो यहाँ पे देखें आपको गुड डे फैस लिखा हुआ आ गया, लेकिन इसका कलर है ब्लैक तो नज़र नहीं आ रहा आपको। लास्ट नेम टेक्स्ट वाइट, तो टेक्स्ट वाइट हो गया। FW बोल्ड, इससे क्या होगा फॉन्ट वेट आपका ये बोल्ड हो गया, ठीक है, ये लिखा हुआ क्या। अब यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करें। जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ है कि जैसे ही विंडो डॉट ऑन लोड, कि जैसे ही ये वेबसाइट आपकी लोड हो तो क्या करो, एक फंक्शन चलाओ, उस फंक्शन में लेट यूज़र नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में प्लीज़
एंटर योर फुल नेम कह दें, ठीक है जी। अब हमने इसको एक आईडी दी है, आईडी क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम डॉट इनर टेक्स्ट करते हैं, क्योंकि एचटीएमएल तो हम ले ही नहीं रहे हैं। इनर टेक्स्ट इक्वल टू क्या आएगा? यूजर नेम। यूजर जो भी वैल्यू आपको देगा, जो भी नेम देगा, वह स्टोर किस में होगा? यूजर नेम में। और यहाँ पे यूजर नेम, तो यहाँ पर यूजर नेम आ गया आपका गुड डे स्पेस प्लस यूजर नेम प्लस बैंकर्स है, ठीक है जी। सेव करें तो ये देखें, जैसे ही आपकी वेबसाइट लोड हुई उसने आपसे नेम पूछ लिया, तो यहाँ पे आप लिख दें फैज रसूल, ओके करें। हमने वो कंसोल किया हुआ है ना वहाँ पे, ये देखें सेव करें अहमद, तो ये आपका आ गया, ये चीज़ बन रही है। रिफ्रेश करें यहाँ पर अनस, तो ये देखें गुड डे ऐसा आ गया। तो इस तरह फिर आप यूज़र से उसका नेम वगैरह पूछ सकते हैं। क्या चीज़ विंडो डॉट ऑन लोड क्या? जब आपकी विंडो लोड हो जाएगी, मीन्स कि आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी, उसके बाद आप जो भी काम लेना चाहते हैं तो आप फिर इसमें लिखते हैं। वो जैसे पिक्सेल वो तो लॉगिन और पासवर्ड बिल्कुल ऐसे ही जी, यही चीज वो पासवर्ड मैच करता नहीं, अभी वही आएगा आगे आपके। पहले इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल हमने वेरिएबल का सिर्फ नाम लिखा है, तो इनर टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट ही चलेगा? सिर्फ टेक्स्ट ही आएगा सर, इसका वेरिएबल का नेम आएगा ना, उसके अंदर जो वैल्यू वो आएगी, तो वेरिएबल का नेम नहीं आएगा इनर टेक्स्ट। यूजर नेम की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो बेसिकली उसकी जो वैल्यू होती है वो आपको शो हो जाती है। वो इनर टेक्स्ट या एचटीएमएल दोनों में लिख सकते हैं? किसी में भी लिख सकते हैं जी, क्लियर है? यस सर। ओके जी, अब हम आ जाते हैं कंडीशंस पे। इफ का क्या मतलब होता है? अगर, ठीक है। अगर यूज़र का ये नेम है तो फिर क्या करो, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, लेट सपोज अगर यूज़र का ये ईमेल है और यूज़र का ये पासवर्ड है तो उसको लॉगिन करवा दो, ठीक है। ये तो आपकी कंडीशंस बेस पे काम किया जाता है। अच्छा, यूज़र से अगर यहाँ पे आप देखें, आपके पास सर इसका मतलब हम सही जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो सर्वर पे स्टोर करवाते हैं जी, तो बात ही नहीं करनी। प्लीज एंटर योर नंबर और प्लीज एंटर योर नंबर टू, लेट सम इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू, कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे? सम। सेव करें, हास्ट नेम फ्रॉम यूजर प्लीज एंटर योर नेम 1 5 प्लस 10, क्या वैल्यू बनेगी? 5 10 बनेगी, 5 10 बनेगी। क्यों बनेगी? स्ट्रिंग टाइप है सर, प्रॉम्प्ट की मदद से जब भी आप वैल्यू लेते हैं आपको हमेशा स्ट्रिंग ही वापस मिलती है, ठीक
ठीक है, एंटर करें तो आपके पास देखें 510 हो गई, क्योंकि वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग में आ रही है। अब आप चाहते हैं कि आप नंबर ले रहे हैं, जैसे सी बात, प्लीज़ एंटर योर नंबर आप कह रहे हैं, या फिर एज कह रहे हैं, या फिर टू नंबर्स कह रहे हैं, तो हमें वैल्यू चाहिए नंबर में। एक तरीका ये है कि आप स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, काफ़ी तरीके हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट में। एक है नम1, आप नम1 की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो डिक्लेयर किया है ना, इसकी वैल्यू चेंज तो हो सकती है, क्योंकि लेट में हमने लिया है। बार कीवर्ड हो या लेट कीवर्ड हो, आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नम1 इक्वल टू नंबर, एन आपका कैपिटल है यहाँ पे नंबर, इसके अंदर आप नम1 को ही पास कर दें, तो नम1 की जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी नंबर में, और स्टोर दोबारा हो जाएगी नम1 में। ये फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट का अपना है फंक्शन। सर एक पार्स इंट भी आया जी, वो भी है, ये आपका ECMAScript 6 में आया है, ठीक है, क्योंकि हमने ECMAScript 6 करनी है। उसके अलावा और भी है, पार्स इंट भी है, पार्स फ्लोट भी है, तो वो चीज़ें भी हमने आगे पढ़ेंगे। ओके जी, एक और मेथड है, एक तरीका ये है, अगर आप करना चाहते हैं, एक तरीका ये है कि अगर आपको प्रॉम्प्ट से नंबर ही चाहिए तो प्रॉम्प्ट से पहले आप प्लस यूज़ कर लें, और इससे पहले भी प्लस यूज़ कर लें, दोनों पे ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू आप नंबर में लेना चाह रहे हैं। आस्क नेम फ्रॉम यूज़र 5 + 10, अब आपके पास 15 हो गया। एक तरीका ये था आपके पास 5 + 10, तब भी आपके पास 15, तो दोनों मेथड आपके पास। इसके अलावा और भी तरीके हैं, तो सेम चीज़ करने के बहुत सारे मेथड्स आपके पास, लेकिन जो चीज़ हम इजीली कर सकते हैं हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एक चीज़ ये, बेसिकली प्रॉम्प्ट वैसे भी यूज़ नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट में है, लेकिन आपने देखा होगा कभी भी किसी वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट में प्रॉम्प्ट की मदद से वैल्यू नहीं ली जाती है, इनपुट फील्ड्स की मदद से ही वैल्यू ली जाती है। वो बस PTCL वाले जो ले रहे हैं प्रॉम्प्ट की मदद से, इसी वजह से उनका नेट भी स्लो है। सर इनपुट से कैसे लेते हैं? हम आगे पढ़ेंगे। ओके जी, लेट नम1, यहाँ पे देखें मुझसे भाई, लेट नम1 इक्वल टू प्लस प्रॉम एंटर है नंबर 1, इसकी वैल्यू जो भी हम ऐड करेंगे, डाटा टाइप क्या होगी? नंबर, ठीक है, console.log नम1, इसकी टाइप होगी नंबर। अब यहाँ पर कंडीशन लगाने का तरीका, इफ, अगर, अब ऐड करेंगे parentheses और फिर कर्ली ब्रेसेस। इस parentheses में आपने कंडीशन को लिखना है जो लगाएंगे, नम1, इफ नम1 की वैल्यू इक्वल का साइन होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू साइन करने के लिए। अगर आपने वैल्यूज को चेक करना है 2 बार इक्वल या फिर 3 बार इक्वल, 2 बार और 3 बार में फर्क क्या, हम आगे पढ़ते हैं 5, ठीक है। अगर नम1 बराबर है 5 के, तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं console.log num1 equals to 5, ठीक है जी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बल्कि हमने इस पे करना है, ask name from user, enter a number 1, यहाँ पर 5 लिखें तो ये जी। कहाँ की बात कर रहे जी? सिर्फ 1, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है ना, कंडीशन ही नहीं बनती है, ये कंडीशन नहीं बनती है। अगर ट्रू करेंगे तो डेफिनेटली ये सिर्फ ट्रू है, ठीक है। अगर ट्रू है तो इसके अंदर का कोड हर हाल में एग्जीक्यूट होगा, ये हमेशा ही ट्रू होगा।
जी इसमें नहीं है वो चीज़, वो मेरे ख्याल सी प्लस प्लस में होता होगा जितना वो आप कह रहे हैं ना, जीरो फॉल्स होता है, वन ट्रू होता है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं चलेगी। हाँ जी हाँ, अगर आप ये भी ख़त्म करते हैं इसने वैसी एरर दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लिख देते हैं फॉल्स है, तो डेफिनेटली ये फॉल्स है, इसने चलना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही आपका वो डिम हो गया है, मतलब बंद हो गया है, तो ये आपका चल गया। नम वन बराबर है 5 के, तो कंसोल डॉट लॉग नम इक्वल टू 5 सेव करें। पास नेम फ्रॉम यूज़र 5, तो कंडीशन आपकी ट्रू। आस नेम फ्रॉम यूज़र 6 करें, तो ये देखिए वैल्यू 6 तो आपको आ रही है, क्योंकि हमने वो कंसोल डॉट लॉग कंडीशन से बाहर लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नाम की जो भी वैल्यू है वो हम कंसोल करवा रहे हैं, ये कंडीशन से बाहर है। यहाँ पे वैसे ही लिखते हैं योर कंडीशन इज ट्रू। आस्क नेम फ्रॉम यूजर, यूजर अगर वैल्यू कर देता है एट 10, तो क्या 10 बराबर है 5 के? नहीं है, तो वो नहीं आया। आस्क नेम फ्रॉम यूजर 5 करेंगे, तो 5 बराबर है 5 के, तो ये योर कंडीशन इज, अगर 5 से कम करेंगे 5 से कम करेंगे तो 5 से कम 4, क्या 4 बराबर है 5 के? नहीं, कंडीशन होगी फॉल्स। तो हाँ जी, ये वैसे इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम ये कंसोल करवा रहे हैं, अगर कंसोल नहीं करवाएं तो वो भी नहीं नज़र आएगा आपको, कुछ भी नहीं हुआ। 5 करेंगे तो योर कंडीशन इज ट्रू। जी क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास इक्वल, ये आपका कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। दो बार इक्वल, 3 बार इक्वल, ठीक है। इक्वल से होता है चेक, ये सिर्फ और सिर्फ चेक करता है आपकी, ठीक है जी, चेक वैल्यू एंड डेटा टाइप। अब यहाँ पर आप प्लस ख़त्म करते हैं, हमने क्या किया प्रॉम्प्ट से पहले प्लस ख़त्म कर दिया, तो ये आपको वैल्यू क्या देगा? डेटा टाइप उसकी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। आप यहाँ पर दो बार इक्वल लगा दें, आप यहाँ पर आस्क नेम फ्रॉम यूज़र 10 करेंगे, क्या 10 बराबर है 5 के? नहीं है, तो ये आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगा। अगर 5 करेंगे तो नहीं देगा। 5 बराबर है 5 के, योर कंडीशन इज ट्रू। वो कैसे, हम तो स्ट्रिंग में दे रहे हैं, डेटा टाइप नहीं ना चेक हो रही, दो बार इक्वल है, अभी सिर्फ वैल्यू चेक हो रही है। अब अगर आप इसको 3 कर दें इक्वल, तो अब ये वैल्यू को भी चेक करेगा और डेटा टाइप को भी। सेव करें, आस्क नेम फ्रॉम यूज़र 5 करें, तो ये कंडीशन वैल्यू तो ठीक होगी लेकिन डेटा टाइप ठीक नहीं होगी, तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि कंडीशन नहीं, डेटा टाइप सेम नहीं है, वैल्यू सेम है। जी कोई सवाल हो किसी का? लेट नम वन इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर 1, इफ नम वन इक्वल टू 5, तो अलर्ट कर दो। अच्छा, अगर यूजर वैल्यू ऐड नहीं करता है, इफ नम वन बराबर है 0 के, तो अलर्ट कर दो प्लीज़ एंटर नंबर 1 टू कंटिन्यू, और यहाँ से ही रिटर्न कर दो,
रिटर्न का मतलब होता है कि अब ये नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अगर नमन मीन्स के यूज़र कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा आपको, ज़ीरो ऐड कर रहा है, जारी से बस ज़ीरो तो हमें चाहिए भी नहीं, हमें ज़ीरो से अबव वैल्यू चाहिए। तो अगर नम वन बराबर है ज़ीरो के तो क्या करो, अलर्ट करो, आप नोटिफिकेशन दिखा दें और साथ ही उसको रिटर्न कर दें कि आप नंबर वन वैल्यू देंगे तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी तरह नम टू बराबर है प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर टू, जो भी वैल्यू आएगी स्टोर हो जाएगी नम टू में। अगर नम टू बराबर है ज़ीरो के मीन्स के यूज़र ने वैल्यू ऐड नहीं की तो प्लीज़ एंटर नंबर टू टू कंटिन्यू और साथ ही रिटर्न करते हैं। जब हम रिटर्न करेंगे तब ये रिटर्न कहाँ से कोड एग्जीक्यूट करेगा? कंडीशन से ही पीछे चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा, मीन्स के नीचे नहीं आएगा। नहीं, अब हमने यहाँ पे रिटर्न किया है तो ये यहाँ से दोबारा होगा ना लेटर नंबर टू से? नहीं, आप दोबारा से बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका बटन पे जब जैसे ही क्लिक होगा तो वो आपका कोड यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से शुरू होने से मुराद के वो दोबारा से नंबर वन पूछेगा, ठीक है। दोबारा से ऐड करना पड़ेगा जी, लेट सम इक्वल टू नम वन प्लस नम टू अलर्ट सम, यहाँ पे बेशक लिख दें कंसोल डॉट लॉग आफ्टर कंडीशन, ये कंडीशन के बाद का कोड है 5, 10, 15 आफ्टर कंडीशन। अगर आप यहाँ पे लिख दें ज़ीरो तो नंबर बराबर किसके हो गया? ज़ीरो के। अब देखें मैं साथ ही बता रहा प्लीज़ एंटर नंबर वन टू कंटिन्यू, ओके करें तो वो उसने नंबर टू का पूछा ही नहीं, क्योंकि नंबर टू हमें तब भी चाहिए नंबर वन होगा हमारे पास। सर, फिर उसने नंबर वन भी तो नहीं पूछा, नहीं नंबर वन भी तो दोबारा पूछ सकता था। वो पूछ सकता है लेकिन वो चैप्टर नंबर 42 में पूछेगा। 60, अब अगर आप इसको ज़ीरो करेंगे तो उसने प्लीज़ एंटर नंबर टू टू कंटिन्यू, मीन्स कि उसने आपको सम नहीं दिखाना। ये क्लियर है? उसी तरह हम यहाँ पर कर सकते हैं, प्रिंट हमने पढ़ा तो है, क्या चीज़ है भूल गए? प्रिंट से क्या होता है? आउटपुट आपको पूरा पेज प्रिंट होता है, ये वो वाला प्रिंट है। अगर नम टू बराबर है ज़ीरो के तो उसने प्रिंट कर देना और साथ ही रिटर्न कर देना। नम टू बराबर है ज़ीरो के तो ये देखिए प्रिंट का आ गया। अगर नम टू बराबर ज़ीरो के नहीं है तो उसने नम वन इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा सिर्फ ये नम टू कर रहा है, उसने एरर दे दिया इसका भी। इसमें ही पढ़ना है, बाद ही आएगा जी। ये क्लियर है? ओके जी, वेरिएबल वन की वैल्यू क्या है और टू की वैल्यू, क्या वन बराबर है टू के? कंडीशन ट्रू है। क्या वन बराबर है टू के? वैल्यू तो बराबर है, आपकी डेटा टाइप सेम नहीं है, आप इसको कम करें। अब बराबर है जी बिलाल भाई, फोन देंगे आप भी? कल से आपने भी खून देना है। वन बराबर है टू के, डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। और टू की डाटा टाइप क्या होगी? नंबर। वन यहाँ पर अब आपका बनेगा टू और ये टू बनेगा आपका सिर्फ टू नंबर, तो ये आपकी वैल्यू बराबर है, डाटा टाइप बराबर नहीं है। अगर आप इसको तीन बार इक्वल साइन लगा दें तो अब वैल्यू तो बराबर है, डेटा टाइप बराबर नहीं है, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो उसके अंदर का अलर्ट नहीं होगा।
इफ फर्स्ट नेम इक्वल टू वकास, तो यहाँ पे आप ले लें लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू फ्रॉम एंटर नेम, अहमद करें तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। आस नेम फ्रॉम यूज़र, वकास करें तो वकास फर्स्ट नेम बराबर है वकास के, एंटर करें तो ये देखें गुड मॉर्निंग वकास। आस्क नेम फ्रॉम यूज़र वकास, ठीक है इसको एक मिनट कैंसिल करें रिफ्रेश करें। आस्क नेम फ्रॉम यूज़र वकास, ओके करें तो होगा जी बट सर फर्स्ट नेम बराबर है वकास के, ऐसे ही है तो यहाँ पे हम वकास ही लिख रहे हैं। ओके करें, इसको कॉपी कर ले पहले, ओके करें तो आपको आउटपुट नहीं आई। क्यों नहीं आई? W वहाँ पर कैपिटल है और यहाँ पे देखें हमने स्मॉल लिया था, तो हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट जो वो केस सेंसिटिव है। आपका वर्ड अगर लास्ट असाइनमेंट बनाई हुई तो रोज नॉट इक्वल टू रोज, ऐसे ही है। चले आपके पास ये चीज़ भी आ गई, इसका मतलब होता है नोट, ये नोट ऑपरेटर और इक्वल साइन नोट इक्वल, इसका मतलब है इक्वल, इसका मतलब है नोट इक्वल। सर अगर एक्सक्लेमेशन के साथ तीन इक्वल आ जाए बनते ही नहीं है, तीन बार आप ऐड ही नहीं कर सकते। आप यहाँ पे नॉट इक्वल, ये सिर्फ क्या करेगा वैल्यूज को चेक करेगा और इसके साथ अब आपकी डाटा टाइप भी चेक होगी। तीन बार इक्वल लगाएंगे तो आपको ऐड करेगा वो। हाँ जी ये भी है, अगर फर्स्ट नेम बराबर नहीं है वकास के, सेव करें आस्क नेम फ्रॉम यूज़र अली हसन, क्या फर्स्ट नेम बराबर है वकास के? नहीं है ना, तो कंडीशन हमारी लॉजिक का समझें, ठीक है। आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर आ गया अली हसन, अली हसन बराबर नहीं है वकास के, तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी ट्रू होगी। अगर ट्रू हो जाएगी तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी गुड मॉर्निंग प्लस फर्स्ट नेम और जो भी आपकी वैल्यू बनेगी, ओके करें तो ये आपके पास गुड मॉर्निंग अहमद कर दें तो गुड मॉर्निंग अहमद। अगर आप यहाँ पे वकास लिख देते हैं तो कंडीशन आपकी क्या होगी फॉल्स हो जाएगी, ओके करें। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट नेम पूरी स्टेटमेंट ही देखता है वो, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है तो फिर ये आपका ट्रू है। वन नॉट इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। इसमें सवा सात जी, एक बराबर नहीं है एक के, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है, तो जब ये फॉल्स होगी तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या वन बराबर नहीं है दो के, कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जी। क्लियर है इतना? ये आपके हो गए चैप्टर नंबर 10, बाकी 11, 12, 13 एंड 14 नमाज के बाद हम करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अभी जो हमने देखा ये आपके पास ये कौन सा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है जी। ये जो है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, आपका कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल मतलब के बराबर है,
अब हम चेक करते हैं ज़्यादा है या बराबर है, ठीक है, या फिर ज़्यादा है कम है, ठीक है, इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है जी, ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्वल्स ग्रेटर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन और इक्वल नॉट इक्वल, ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स। वेरिएबल नम वन इक्वल्स टू 15, वेरिएबल नम टू इक्वल टू 15, क्या नम वन बड़ा है या बराबर है नम टू के, कंडीशन ये आपकी ट्रू, क्या नम वन बड़ा है नम टू से, यस भाई फॉल्स है। अब यहाँ पर हमने अभी तक ऊपर देखा था इफ अगर तो कंडीशन ट्रू है, अब हम यहाँ पर इसको मजीद कह रहे हैं कि अगर तो ट्रू है तो ये दिखा दो, अदरवाइज एल्स में आप एक और चीज दिखाएं अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ अगर तो नम वन ग्रेटर देन नम टू, क्या 15 बड़ा है 15 से, कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये आपका एल्स चलेगा। एल्स का सिंटैक्स देख लें, इफ पैरेंथेसिस में कर्ली ब्रेसेस, एल्स में सिर्फ कर्ली ब्रेसेस है, सभी जहां पे ब्रैकेट क्लोज की है एल्स से पहले वो एल्स को हम अगली लाइन में लिखेंगे, अपनी मर्जी इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं एल्स कंसोल डॉट लॉग नो योर कंडीशन इज फॉल्स, सेव करें तो यहां पर अब आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स नो योर कंडीशन इज फॉल्स। अभी तो कोई ग्रेटर देन और इक्वल टू कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, तो अभी आपके पास यहाँ पे यस योर कंडीशन इज ट्रू, क्या नम वन बड़ा है या बराबर है नम टू से, फॉल्स, नम वन आपका बड़ा है नम टू से, तो ये कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पर आपके पास 14 आ जाता तो ये अब आपका फॉल्स, मिशन इज फॉल्स। अब आ रहते हैं मल्टीपल कंडीशंस, इफ एल्स इफ और एल्स, ठीक है जी, इफ कंडीशन अगर फॉल्स है तो आपका चलेगा else if, देखेगा else if में दोबारा आपकी कंडीशन a equals to 2, अगर तो ये a बराबर होगा 2 के, अगर a बराबर 3 के तो इसके अंदर का कोड चलेगा, अगर ये कंडीशन false है तो फिर else if चलेगा, अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो फिर आपका else चलेगा, else ने लाजमी चलना है अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो, जी इसको खत्म करें। वेरिएबल नम वन इक्वल टू 14, वेरिएबल नम टू इक्वल टू, क्या नम वन बड़ा है नम टू से, ये माध भाई क्यों नहीं बड़ा है, क्यों नहीं बड़ा है, तो 14 बड़ा नहीं होता 15 से, अच्छा एल्स इफ नम वन इक्वल्स टू नम टू, क्या नम वन बराबर है नम टू के, क्या नम वन छोटा है नम टू से, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू है, तो अब आपको अलर्ट करवाएगा यस योर थर्ड कंडीशन इज ट्रू, इसको सेव करें। मतलब else if हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, else if जितनी मर्जी बार यूज कर लें, इफ आपका एक बार else भी आपका एक बार, else if आप जितनी मर्जी बार यूज कर लें, if else if, तो यस योर थर्ड कंडीशन इज ट्रू, ओके करें।
इस कंडीशन से आपके क्या चीज़ होगी, डेटा और वैल्यू, और इस कंडीशन से आपकी से पहले होगी, तो कंडीशन कौन सी ट्रू होगी जी? अब तो कोई भी नहीं होगी सर, नीचे वाली ऊपर एल्स वाली होगी सर, योर कंडीशन इज फॉल्स सर, चले कोई भी नहीं चलती, एल्स वाली लास्ट वाली चले, लास्ट वाली चले, आप ही चलेंगे एल्स चलेगी। हां जी साथे नजर नहीं आ रहा आपको, तो आप आ गए आज, कौन सी कंडीशन चलेगी? लास्ट एल्स, आपका ये एल्स चलेगा क्योंकि कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। इफ एल्स इफ नो योर कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये आपका लेस देन और इक्वल टू, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? जी अली भाई, फॉल्स है ना, अभी तो फॉल्स कहा था आपने, साइन तो मैंने कुछ भी नहीं किया, साइन चेंज करने के बाद पूछा था, नंबर लेस देन और इक्वल टू, एल्स इफ नंबर नॉट इक्वल्स टू नम टू, यस योर फोर्थ कंडीशन इज ट्रू। जी अब कौन सी चलेगी? जी फोर्थ वाली चलेगी, फोर्थ वाली चलेगी, तो कंडीशन तो पहले ये वाली ट्रू नहीं हो रही सर, अगर समझदार होगा दोनों चला दे। अच्छा देखते हैं जावा के समझदार है कि नहीं। इफ एल्स इफ यस योर थर्ड कंडीशन इज ट्रू, ओके, तो आपकी जो टॉप पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसका वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है जी। नम वन बराबर नहीं है तो टॉप वाली चलेगी ना, जो टॉप पर ट्रू हो जाएगी वो चलेगी, लास्ट वाली नहीं चलेगी, मीन्स कि उसके बाद नहीं, क्योंकि आपकी वो कंडीशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, ये दिखाना था बस आपको, ओके जी। अब मल्टीपल कंडीशंस, अब आके आ गए, ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कहा क्या जाता है इसको, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए, अब भी आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके एंड और नॉट, ये लॉजिकल में आता है, ये फिर कंपैरिजन, ये आपका कंपैरिजन है, ये आपका लॉजिकल है, ये लॉजिकल है, सिर्फ नॉट ऑपरेटर होगा तो वो लॉजिकल है, अगर ये आप चेक कर रहे हैं तो ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, आई उल्टा लिखा नहीं सर, ये नहीं, ये आपका है एंटर से ऊपर वाला बटन है, बैक फॉरवर्ड स्लैश वाला, ये वाला साइन, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये देखें ये हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चला गया, ठीक है, ये आपका और ऑपरेटर, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर वेरिएबल एज किसके बराबर है, जो एंटर जो भी यूज़र से वैल्यू आएगी, और वेट भी जो यूज़र वैल्यू पास करेगा, अगर एज बड़ी है या बराबर है 18 के, और वेट कम है या बराबर है 70 के, तो कंसोल डॉट लॉग कर दो यू आर अ स्मार्ट मैन, एल्स इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड वेट ग्रेटर देन 70, तो कंसोल डॉट लॉग यू आर अ बैड गाय, एल्स कंसोल डॉट लॉग यू आर अ बेबी, मतलब कि यहाँ पे आप देखिए चेक क्या हो रहा है,
दो कंडीशंस चेक हो रही हैं, अगर ये दोनों ट्रू होगी तो फिर ये चलेगी। अगर हम यहाँ पे लगा देते और कोई भी एक, जितनी मर्जी यहाँ पे कंडीशंस लगा दे, कोई भी एक ट्रू होती तो वो एग्जीक्यूट हो जाती। अब इसका मतलब अब जितनी मर्जी कंडीशंस लगाएं सारी ट्रू होंगी तो एग्जीक्यूट होगी। लाइक अगर आप यहाँ पर एंड करके फॉल्स कर दें तो ये इसने चलना ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर और लगा देते अब ये आपका चलेगा। अब ये दो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो चल जाएगा, ठीक है जी। अगर यहाँ पर आप और लगा दें, यहाँ पर आप ट्रू कर दें तो यही चलेगा, बाकी सब देखें वो ऑटोमेटिकली डिम हो गया, ठीक है जी। अब यूज़र से वैल्यू लेते हैं अगर तो एज 18 से अबव है तो फिर इन दो की पॉसिबिलिटीज़ है, अगर एज 18 से पहले ही कम है तो फिर क्या होगा, एल्स, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों जगह कंडीशन लगा रहे हैं, अगर एज 18 है या उससे अबव है तो फिर डेफिनेटली वो वेट को चेक करेगा, अगर तो एज 18 या उससे कम है तो ये दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, ठीक है ना, क्योंकि और हम एंड लगा रहे हैं तो ये आपका एल्स बनेगा। टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस योर एज, यहाँ पे 18 से कम करते हैं 17, अब वो आपसे वेट पूछ रहा है तो आप वेट इसको कोई भी दे दें, 70 दे दें, इसने आपको बताना क्या है, यू आर अ बेबी, ठीक है। तो ये आपके पास यही आ रहा है। आप टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस 18 यहाँ पर 70 कर दें तो ये आपका यू आर अ स्मार्ट मैन, 20 कर दें, 30 कर दें, आप बेशक 70 कर दें एज और वेट आप 71 कर दें तो अब आपके पास आएगा यू आर अ फैट, ठीक है, ये चीज़ आपकी। इसमें एक चीज़, अब जैसे हमने यहाँ पर एज 18 से बिलो, ठीक है, एज 17 से 18 से कम हो तो इसने हमेशा आपको यू आर अ बेबी ही देना है तो फिर ये वेट को पूछना नहीं चाहिए, yes, ऐसे ही है, वेट तो तब पूछना जब 18 से अबव हो या 18 ही हो, yes, तब वेट का काम आ रहा है। अगर आप अब वेट कुछ भी दे दें बेशक 50 कर दें, इसने आपको बताना तब भी यही है कि यू आर अ बेबी। तो अब हम यहाँ पर नेस्टिंग करने लगे हैं, लेट एज, अब सबसे पहले हम एज पूछेंगे, लेट एज इक्वल टू, अगर एज बड़ी है या बराबर है 18 के तो लेट वेट इक्वल टू प्रॉम्प्ट, अगर एज 18 या उससे अबव नहीं है तो फिर आपका else, ठीक है, अगर 17 तो उसने पहले ही बता दिया मेरा बेबी, अब अगर हम 18 ले रहे हैं तो अब वो आपसे वेट पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़, 70 देंगे तो यू आर अ स्मार्ट मैन और अगर आप 70 से प्लस करेंगे तो यू आर अ फैट गए। अब यहाँ पे अगर एज बड़ी है या बराबर है 18 के तो फिर वो आपसे वेट पूछ रहा है और यहाँ पे दोबारा इफ़ वेट लेस देन और इक्वल टू 70 यू आर अ स्मार्ट मैन एल्स यू आर अ फैट है। अगर हम यहाँ से 70 इक्वल को माइनस कर देते हैं तो इसका क्या मतलब है कि एज कहाँ तक है, ये 69 तक। अब अगर वो 70 भी देगा तो फिर क्या आएगा आपका यू आर अ फैट है। नेस्टिंग हम कर सकते हैं और अगर हम इफ एल्स के अंदर इफ यूज कर लिया, इफ एल्स के अंदर एक इफ यूज किया तो अगर वही ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, एल्स में चलना ही नहीं आपका। मींस के अगर आप यहां से ये एल्स खत्म कर देते हैं, अगर तो एज 70 या उससे बिलो है तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, उसने कुछ भी नहीं, बाहर वाला चलना ही नहीं, बाहर भी नहीं चलना आपकी ये कंडीशन। अगर तो ये एल्स आपका एज पे मैटर कर रहा है, अगर तो एज है 70 18 से बिलो है तो फिर ये आपका एल्स चलेगा,
इसका एज से कोई अब लिंक नहीं है। कुछ कहने लगे ये वाला तो नहीं चलेगा, आपका ख्याल है, ख्याल आपका अच्छा है। ये इफ देखे ना, ये इफ आपका इससे मैच कर रहा है, इससे लिंक है आपका। ये जो आपके देखें इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ठीक है, ये इफ आपका इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो इसका कोई लिंक नहीं बनता इस इफ से। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें बेशक नेस्टेड 18 और 80 कर दें तो आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एल्स ख़त्म कर दिया। अब अगर यहाँ पर आप करें 18 और 80 तो यू आर आ फैक्ट गया आ जाएगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 14 तक हो गया, आज तक हमारा यही था। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं बस, जो आपका PTCL में आता है लॉगिन, यूज़र नेम उमेर, पासवर्ड 123, ओके करें तो यूज़र लॉग इन, ठीक है, यही चीज़ वो पूछता है। बाकी तो जी ऊपर नीचे आ रहे, ऊपर नीचे आ रही होती है, अच्छा वो फिर देखना पड़ेगा, नहीं वो नहीं 42 है, अगर चीज़ है वो फिर देखना पड़ेगा। वैसे जावास्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट यही है सिंपल, मे भी कोई मल्टीपल वाली वेबसाइट पे भी हो रहा है जी, टेंडा वाली वेबसाइट भी जब हमने पासवर्ड वगैरह लगाया था तो वो भी एडमिन और पासवर्ड मांगी होती है। वो तो आपका यूज़र से इनपुट फील्ड में ले रहा है ना वैल्यू, PTCL आपका प्रॉम्प्ट की मदद से। जावास्क्रिप्ट यही तो फायदा है इसका। ओके, वेरिएबल यूजर नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट से यूजर नेम ले लिया और पास में पासवर्ड उसका, अगर यूजर नेम बराबर है मैर के और पास बराबर है 123 के तो कंसोल डॉट लॉग कर दो यूजर लॉग्ड इन, एल्स यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। लॉग इन यहाँ पे आप लिख दें ABC और पासवर्ड 456, एंटर करें, ईमेल एंटर करें और उसमें एट द रेट भी आना चाहिए। वो तो हो सकता है, यूजर नेम में वैसे एट द रेट नहीं होता ना, ईमेल में होता है। ईमेल जी, फिर वो आप मेरा ख्याल कल के लेक्चर में शायद वो चीज़ आई या फिर आगे जी। आउटपुट में यहाँ पर तो आप ये इसको यहाँ पे कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आउटपुट डॉट इनर टेक्स्ट कह दें इक्वल टू पास, ये था लॉगिन मैर 123। तो आपके पास सिर्फ हमने किया ही सिर्फ पास को है वो भी चाहिए, तो फिर आप इसको सर अगर वहाँ पे ये प्रिंट करवा देंगे यूजर लॉग इन या यूजर नेम और पासवर्ड यूजर जी, मैंने कहा यही वाला प्रिंट करवा देना यूजर लॉग इन। हाँ जी हो सकता है, ये आपका बनेगा ये कौन से ज़्यादा पूछ रहा है, मुझे चेहरा देखने दो पहले। अच्छा कौन के कौन कौन पूछ रहा है पहले ये वाला, यस सर बताएगा कौन जी, बट साहब जी तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, स्ट्रिंग इंक्रीमेंट होता है भाई, वो प्लस प्लस होता है, ये वही काम नहीं हो रहा है जैसे प्लस करके हम बॉडी पहले देते हैं, वही काम हो रहा है। एक ऐड हो रहा है क्या चीज, नहीं नंबर पे ऐड सर, ये मुझे लगता है गलती से लग गया जी। मोहित भाई फोन नंबर भी होगा ना, वो जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, हमने इक्वल का पढ़ा है ना कि पुरानी जितनी वैल्यू हो उसको वो रिमूव करता है और इक्वल के बाद जो भी वैल्यू आपने लिखी होगी वो ऐड कर देता है। प्लस इक्वल का मतलब होता है कि पुरानी भी जो वैल्यू है उसको साथ में ऐड करो, पुरानी वैल्यू अब आपके पास यूज़र नेम है यहाँ पे, बल्कि आप लिख भी लें यूज़र नेम इक्वल्स टू प्लस
मेहर पासवर्ड 45 56 आर नहीं डाला पासवर्ड का आर नहीं है उसमें है भी नहीं इसकी तो खैर है अच्छा ये कंडीशन ट्रू ही नहीं है खैर से वो आपने पासवर्ड गलत लगाया पासवर्ड गलत लगाया अच्छा ये बी आर आ रहा है तो हमने टेक्स्ट लिया यूजर नेम इक्वल टू मेहर पासवर्ड इक्वल टू 123 जी क्लियर है सर ये दोबारा सा यूजर नेम आपने कैसे यहां पे लिखा है डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो वैसे स्ट्रिंग ही शो होगी जी और यूजर नेम जो हम एंटर करेंगे जी यूजर नेम की जो भी वैल्यू होगी इसमें देखें वो आपको कह रहा है यूजर नेम इक्वल टू उमेर ये आपको यहाँ पे उमेर वाला क्यों बता रहा है क्योंकि हमने पहले डिक्लेयर किया है डिक्लेयर कहाँ पे गया इफ में डिक्लेयर तो नहीं किया हम चेक कर रहे हैं बस ये तो चेक कर रहे हैं ना कंडीशन है ये इस वजह से आपको यूजर नेम यहाँ पे बता रहा है ये बी एस कोड दरअसल बता रहा है इसने चलना ही तब है जब ये कंडीशन ट्रू होगी ऐसे ही है ना कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे यूजर नेम आपका उमेर बनेगा और पास आपका 123 बनेगा अगर यही चीज़ आप यहाँ पे ना इसको नीचे ले आए आपको यहाँ पे नहीं बताएगा स्ट्रिंग होगा या नल होगा हाँ जी उसको यहाँ पे पता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है या स्ट्रिंग होगा कोई भी या नल होगा अच्छा इसमें एक और चीज़ ये चीज़ देख लें आप लॉगिन में वैल्यू ले रहे हैं ओके करेंगे लिखे बगैर कुछ भी ये आपको ब्लैंक स्ट्रिंग देगा ठीक है ये बेशक लिखना है लिख लें क्योंकि आगे ये काम भी आएगा आपके अगर आप कोई भी वैल्यू पुट किए बगैर ओके करते हैं तो ये आपको ब्लैंक स्ट्रिंग देगा अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो ये आपको नल करेगा ठीक है अगर आप कैंसिल कर दें और इसको भी कैंसिल करें तो दोनों की वैल्यू आपकी इस यूज़र नेम की भी और पास की भी जो वैल्यू वो नल है ठीक है ये चीज़ आपकी जी कोई सवाल है तो पूछ लें कर रहे क्लियर आउटपुट ये कर क्या रहा है भला हमने लास्ट क्लास में देखा था वैसे डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू ब्लैंक बस मीन्स कि उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको क्या कर दो ब्लैंक कर दो सर जैसे पीटीसी वाला जो वेबसाइट में यूजर नेम और पासवर्ड दें तो फिर वो आगे सारी डिवाइस की सेटिंग शो होती वैसे हम इस वेबसाइट में नहीं अपने असाइनमेंट में नहीं कर सकते कि यूजर नेम और पासवर्ड पहले देंगे तो फिर अगला पेज शो होगा पूरा वरना नहीं हो सकता है यहाँ पर ना आपके पास से अभी आप लोगों ने वो पढ़ा नहीं है आपका वो है कि द यूजर अगर तो यूज़र नेम और पासवर्ड ट्रू है ठीक है तो फिर आप हम एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट किस तरह होते हैं एंकर टैग से अब जावास्क्रिप्ट में हम एंकर टैग तो नहीं यूज़ कर सकते हैं अब तो यहाँ पर क्या आएगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट आपका था एच रेफ इक्वल्स टू आप जिस भी पेज पर लेके जाना चाह रहे हैं ठीक है https आपकी जो भी वेबसाइट है abc.com/dashboard जैसे ही यूज़र ने यूज़र नेम और पासवर्ड ट्रू कर दिया तो ये उस पेज पर लेके चला जाएगा नहीं सर मतलब मेरे कहने का मतलब ये यूज़र नेम पासवर्ड पहले पूछे जब हम लिंक अगर हम किसी को लिंक भेजें ना अपनी असाइनमेंट का तो पहले यूज़र नेम और पासवर्ड पूछे अगर वो सही बताए तो फिर ही हमारी पूरा पेज शो हो उसे वरना नहीं विंडो डॉट ऑनलोड होगा वही चीज़ होगा पर आपका ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये वैसे ब्लैंक हो जाएगा यस बहरहाल वो कंडीशंस लगेंगी आपकी बहुत सारी से मुराद के कंडीशन एक ही होगी लेकिन कोड आपको मज़ीद करना पड़ेगा जैसे जी कोई सवाल जी चेक बटन में मेरा ख्याल कुछ भी नहीं हो रहा है चेक पे हो क्या रहा है चेक कंपैरिजन ऑपरेटर्स है तो सही इसमें कुछ भी नहीं है
पर कहीं यार जी एक ही है, इसमें कुछ भी नहीं है फिलहाल, वो ख़त्म कर दें। आप वो तो आना है आपका, वो आपका रिएक्ट में आएगा जावास्क्रिप्ट करने के बाद, रिएक्ट रिएक्ट के साथ फिर जब आप लोग डेटाबेस वगैरह करेंगे उस टाइम आपका होगा। तो सारी चीज़ें आपकी, ये कंप्लीट फुल फ्लैज वेबसाइट जिस तरह बनती है वो आपका सारा इस कोर्स में है। फिर उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन भी आपके इसी में है, पर वह तब है जब आप लोग इसको करेंगे, फिर ही फायदा। नहीं तो जिस तरह आप लोगों को, जिस तरह लेक्चर वन ही अभी तक आप लोगों ने लिया तो बहुत कम समझ आई होगी आप किस चीज़ की। लेक्चर लिया लेकिन असाइनमेंट में नहीं इसकी लेक्चर। तो साथ साथ करें ना, जावास्क्रिप्ट है ही ये चीज़ है। आप लोग अगर इसको भी अच्छा, इसके रिलेटेड कोई सवाल नहीं मैं आपको फिर बताता हूँ।